हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषा न्यूट्रिफिट यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ खास लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं आज बनाने वाली हूँ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वेट लॉस रेसिपी मसाला ओट्स, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, तो इन सभी बीमारियों को कम करने में ये फायदेमंद होती है। इसके साथ ही अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा जो है वो भी अच्छी रहती है, तो आपका डाइजेशन जो है वो भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बनाएंगे आज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वेट लॉस रेसिपी मसाला ओट्स। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। इसके लिए मैंने लिया है 4-5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा पत्ता गोभी काट कर रखा है, एक प्याज और एक टमाटर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से काट ले। इसके साथ ही मैंने लिया है एक छोटी कटोरी स्प्राउटेड मटकी और एक छोटी कटोरी ओट्स। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 10 ml ऑयल लिया है। अभी ये गर्म हो चुका है, इसमें हम राई मिलाएंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी इसमें हम लहसुन मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन को काट कर लिया है। अगर आपको कटा हुआ लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसमें लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें मिलाएंगे एक कटोरी प्याज। ये प्याज अच्छे से भुन गया है, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन मिलाएंगे। अभी इसमें मिलाएंगे हम कटी हुई पत्ता गोभी। इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ये सब्जियाँ इस्तेमाल की है। अगर इसकी जगह पे आपको और कई सब्जियाँ पसंद है, बीन्स पसंद है या फिर फूलगोभी पसंद है, तो आप इनकी इसकी जगह और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसको ढक्कन रखकर थोड़ी देर होने देंगे। अभी हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें हम अभी फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च। आप आपके स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें मिलाने वाले हैं स्प्राउटेड मटकी। तो इतनी मैंने एक छोटी कटोरी मटकी इस्तेमाल की है, इसको भी अभी ऐड कर दिया है। आप इसके साथ और स्प्राउट्स या फिर चना बरबटी, आपको जो भी पसंद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से पकने के लिए मैं इसमें एक कटोरी गर्म पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह से पकने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया है, इसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको ढक कर रखेंगे। अभी देखेंगे कि ये कैसे हुआ है। थोड़ा सा पका हुआ है, तो अभी आधा पकने के बाद इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। आपको जितना नमक लगता है उतना नमक इसमें ऐड करें, और नमक हमेशा खाने में कम ही इस्तेमाल करें। और लास्टली हम इसमें मिला देंगे अभी ये ओट्स, और अभी इसको हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढककर पूरी तरह से पका लेंगे। तो लीजिए, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ओट्स है वो तैयार है। अभी इसको हम सर्व करेंगे। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। अगर आपको पुदीने की चटनी पसंद है तो उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं, या फिर छाछ के साथ भी खा सकते हैं। न्यूट्रिशियस सेहतमंद मसाला ओट्स तैयार है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिससे आपको मिलेगा यानी आपको ब्लड ग्लूकोज कम मिलेगा, आपका बीपी कंट्रोल में आएगा, आपका वजन कम होगा, आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके साथ ही आपका डाइजेशन जो है वो सही तरीके से होगा, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखेंगी। ऐसे कई सारे फायदे जो है वो एक ही रेसिपी से आपको मिल सकते हैं। इसलिए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और बनाने के बाद आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।